नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम की भूमि पूजन कर रखी गई आधारशिला। उत्तराखंड में पौड़ी जिले के कोटद्वार में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने रासी स्टेडियम में तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम का भूमि पूजन कर आधारशिला रखी गई। सर्वप्रथम रासी स्टेडियम में शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी गई। तत्पश्चात तारामंडल व माउंटेन म्यूजियम का भूमि पूजन कार्य संपन्न किया और संबंधित अधिकारियों से तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम प्रोजेक्ट के प्रगति की जानकारी लेते हुए इसके निर्माण से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने को कहा। तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम मूल रूप से पर्यटन विभाग की योजना है। लोक निर्माण विभाग इसकी कार्यदायी संस्था है तथा वन विभाग व स्थानीय वन पंचायत के समन्वय से इसको आकार में लाया जाएगा। ये परियोजना मूल रूप से 20.98 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होनी है तथा भविष्य में आवश्यकता के अनुरूप धनराशि में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके पश्चात रामलीला मैदान में राज्यसभा सांसद ने अपने संबोधन में कहा कि इस परियोजना के आकार लेने के पश्चात संपूर्ण गढ़वाल क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। खगोल प्रेमियों के लिए यह आकर्षक स्थल बनकर उभरेगा। विद्यार्थियों के लिए भी जिज्ञासा का केंद्र बनेगा तथा इन सब से इस क्षेत्र की आर्थिकी में बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम के साथ साथ एक बड़ी लाइब्रेरी और मल्टीपर्पज हॉल भी निर्मित होगा। इसके लिए भूमि का हस्तांतरण भी हो चुका है। ये चारधाम यात्रियों को आकर्षित करने का बड़ा माध्यम बनेगा। स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम बनने से आज का ये दिन जनपद के लिए एक ऐतिहासिक दिन है तथा इस परियोजना से पर्यटक को पंख लगेंगे। इस मौके पर विधायक देवप्रयाग विनोद कंडारी, जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, पूर्व विधायक मुकेश कोहली व शैलेंद्र रावत, राज्य गौसेवा आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र अथवाल, जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान मौजूद रहे। दोनों संग्रहालय यहां बनने का रास्ता साफ हो गया है। प्लेनेटोरियम को देखने के लिए, माउंटेन म्यूजियम को देखने के लिए आपके पौड़ी आएंगे तो पौड़ी में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 500 साल संघर्ष करने के बाद आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस समय कोरोना था तो सबको दो दो वैक्सीनेशन दिए गए। आप हाथ खड़े करिए जिन लोगों को वैक्सीनेट हुए, भाई बताइए, ये सब लोगों को मोदी जी ने वैक्सीनेशन दिया। 7 साल में भारत पहुंचती थी, मोदी जी ने कहा वी विल मेक इन इंडिया, हम भारत में ही वैक्सीनेशन बनाएंगे। कई जिनके पास धन नहीं था, पैसे नहीं थे, अफ्रीकन कंट्रीज को दी गई, इससे मोदी जी का मान सर्वत्र बढ़ा है। आज हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान की लैंडिंग कर रहे हैं, आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप में